तो अच्छा लग रहा है, काम करने में मजा आ रहा है, पेंटिंग करने में अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। टीचर सब कैसे हैं जो सिखा रहे हैं, ट्रेनर है वो कैसे हैं? बहुत अच्छे से बताते, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, समझ में आ जाता है ना? हाँ, अच्छे से समझ में आ जाता है। मिथिला पेंटिंग सिर्फ मधुबनी पेंटिंग ही नहीं है, ये पूरे मिथिलांचल की धरोहर है। तो दरभंगा में जो अब वर्क ऑर्डर आ रहा है मिथिला पेंटिंग का, तो आर्टिस्ट कम ना पड़े, काम अधिक है और आर्टिस्ट कम है, तो हम लोग उस हिसाब से स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, बच्चे को प्रशिक्षण देते हैं और जब वो तैयार हो जाते हैं, प्रशिक्षित हो जाते हैं, तो फिर उनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि अगर आपको इसे जॉब के रूप में अपनाना है तो हम लोग आपको काम यहीं दे सकते हैं या आप अपने घर पर भी काम कर सकते हैं। तो नमस्ते दरभंगा, अभी हम खड़े हैं दरभंगा में। जी हाँ, ये पुअर होम का मेन गेट है, पुअर होम के अंदर जब आइएगा तो ये आपको रूम दिख रहा होगा, ये रूम ट्रेनिंग सेंटर है। जी हाँ, मधुबनी पेंटिंग यानी कि मिथिला पेंटिंग से प्रसिद्ध जो पेंटिंग है वो पेंटिंग का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है और ये ट्रेनिंग पिछले 10 सालों से सृजन मिथिला के द्वारा फ्री में बच्चों सबको दिया जाता है, जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको दिया जाता है। ट्रेनिंग के साथ साथ जो ट्रेनिंग में ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं उसके बाद अगर काम करने का आपको मन है, अगर कुछ टाइम मिलता है तो यहाँ पे काम करके आप कुछ पैसे भी अर्निंग कर सकते हैं। हम लोग अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे बच्चे जो है कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इन सब से भी बात करेंगे हम। कितना दिनों से आप लोग ये यहाँ आ रहे हैं? कितना दिन से यहाँ आ रहे हैं? करीब 10 दिन से। 10 दिन से? हाँ। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। ये 10 दिन में सीखे हैं ये बनाना? हाँ 10 दिन में सीखे, मतलब हो तो रहा है 15 तारीख से क्लास, पर गैपिंग 1 सप्ताह में 2 दिन हो रहा है। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है, काम करने में मजा आ रहा है, पेंटिंग करने में अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। टीचर सब कैसे हैं जो सिखा रहे हैं, ट्रेनर है वो कैसे हैं? बहुत अच्छे से बताते, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, समझ में आ जाता है ना? हाँ अच्छे से समझ में आ जाता है। अच्छा, आप कितना दिन से आ रहे हैं? सेम पहले से कर रहे थे या यहीं से शुरुआत की? नहीं, यहीं स्टार्ट की। समझ में आ रहा है सारा चीज? तो अभी कुछ दिनों से शुरू है लगभग, ये बच्चे 10 से 15 दिन पहले से है, नए बैच है, लगभग कई बैच चलते हैं यहाँ पे। जो सर हैं इनसे भी बात करेंगे, राजेश जी से भी बात करेंगे। यहाँ महिला है जो ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है इनका और ये बहुत दिनों से शायद काम कर रहे हैं और ये अर्निंग का एक जरिया है। काम करने के बाद प्लेसमेंट भी यहाँ मिलता है, कहने का मतलब ट्रेनिंग पूरे करने के बाद अगर चाहे तो आप यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए हम राजेश जी से बात करेंगे और जानेंगे कब से ये शुरुआत किए, क्यों शुरुआत किए, क्या माइंड में चला था, सब कुछ जानेंगे। कब से ये संस्था चला रहे हैं? ये संस्था तो हम लोग करीब 15 बरस से चला रहे हैं, लेकिन विधिवत हम लोग 10 बरस से ये फ्री प्रशिक्षण का ट्रेनिंग का क्लास जो है वो चला रहे हैं। और इसके पीछे हमारा ये उद्देश्य है कि मिथिला पेंटिंग सिर्फ मधुबनी पेंटिंग ही नहीं है, ये पूरे मिथिलांचल की धरोहर है। तो दरभंगा में जो अब वर्क ऑर्डर आ रहा है मिथिला पेंटिंग का, तो आर्टिस्ट कम ना पड़े, काम अधिक है और आर्टिस्ट कम है, तो हम लोग उस हिसाब से स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, बच्चे को प्रशिक्षण देते हैं और जब वो तैयार हो जाते हैं, प्रशिक्षित हो जाते हैं, तो फिर उनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि अगर आपको इसे जॉब के रूप में अपनाना है तो हम लोग आपको काम यहीं दे सकते हैं या आप अपने घर पे भी काम कर सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मिथिला पेंटिंग को एक बड़ा उद्योग बनाना और पूरे मिथिलांचल के लोगों को इसमें जोड़ना और उनको आर्थिक रूप से संपन्न बनाना और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके चलते हम यहाँ फ्री प्रशिक्षण दे रहे हैं बच्चे को, बच्चे को एक भी पैसा नहीं लगता है और 6 महीना हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ही यहाँ इनको देना पड़ता है, वो भी मात्र 250 रुपया, उसके अलावा उन लोगों को एक भी पैसा नहीं लगता है। अच्छा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उनको इंटरेस्ट हो ये ट्रेनिंग करने में तो कैसे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? ये इसके लिए हम लोग सोशल मीडिया पर और प्रचार के अन्य जो भी साधन हैं उससे हम लोग फैलाते हैं इस बात को कि अभी हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो बच्चे पहले आकर के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर हम लोग उसका एक बैच बना करके और फिर उन लोगों को एक टाइम दे करके सप्ताह में 2 दिन 2.5 घंटे का क्लास होता है, तो वो हम लोग इनको देते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग इस प्रशिक्षण को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जोड़ें और इसके तहत इन लोगों को एक भारत सरकार का सर्टिफिकेट भी प्रदान करें। चलिए, बहुत अच्छी सोच है, हम लोग देखेंगे, बारीकी से देखेंगे काम कितना अच्छे से होता है। यहाँ पर देखिए पाग जो है मिथिला की जो परंपरा है, धरोहर है, ये पाग है जो हर सम्मान के रूप में दिया जाता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे पाग पे पेंटिंग किया जा रहा है, मिथिला पेंटिंग किया जा रहा है। आप कितने कब ये कर लिए हैं कोर्स?
ये एक साल होता है। एक साल पहले आपका ये कोर्स पूरा हो गया? हाँ। उसके बाद यहीं पे काम कर रहे हैं? यहीं पे काम कर रहे हैं। तो हाँ, जब समय मिलता तब करते या रोज कर रहे हैं? अभी रोज आते हैं। कितना कमा लेते हैं रोज का? रोज इससे कितना कुछ अर्निंग हो जाता होगा ना? मंथली है। कितना मंथली है? 4000 रुपया। 4000 रुपया। कितना टाइम देते हैं यहाँ? 10 से 5 है। अच्छा, 10 से 5 दे रहे हैं और 4000 रुपया अर्निंग हो रहा है। तो एक अच्छी चीज़ है कि थोड़ा कम पैसा है, लेकिन जब जॉबलेस से जो अभी है उससे तो बेटर है। और एक जो है कला, जो है हाथ में एक कला भी आ जाता है। देखिए कितने अच्छे से बन रहा है यहाँ पे। ये चादर पे जो है, ये महिलाएं जो है यहाँ पे चादर पे जो है मिथिला पेंटिंग जो है बना रही हैं। शुरू में जब शुरुआत किए थे तो कितने बच्चे से शुरुआत किए थे? शुरू में तो हम लोग पहले एक कार्यक्रम होता था MRM कॉलेज में, तो वहाँ जा कर के बच्चे लोगों को प्रशिक्षण देते थे साल में 1 महीने का। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग जो कहीं जा कर के देते हैं, इससे अच्छा क्यों ना इसको अपना ही शुरू किया जाए। तो स्टार्टिंग से ही इसका, इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय विधायक अमरनाथ गामी के द्वारा किया गया था। तो उस समय से ही हम लोग 200 बच्चे का टारगेट लेकर के चलते हैं। तो साल में 2 बैच बनाते हैं 6-6 महीने का। तो 100 बच्चा एक बैच में हम लोग लेते हैं। फिर जब वो 6 महीना का ट्रेनिंग प्राप्त करके एग्ज़ाम दे देते हैं तो फिर हम लोग दूसरा बैच प्रारंभ करते हैं, उसमें भी 100 बच्चे को लेते हैं। और उसको हम लोग 2 भाग में बांट करके, जिसकी हमारे पास जगह और संसाधन की कमी है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इसमें अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचा सकें। और ख़ास करके महिलाएँ जो हैं वो अपने आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें और आत्मनिर्भर बन सके। भारत सरकार का जो ये योजना है कि सभी लोग आत्मनिर्भर हों, तो हम लोग उसी उद्देश्य को की पूर्ति के लिए यह काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी सोच है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सोच है आत्मनिर्भर बनना, उसी टाइप से ये भी करवा रहे हैं लोगों को। अगर कोई, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, अगर इंटरेस्ट है इसमें, तो आप आकर के 2.5 घंटा हफ्ते में एक बार या 2 दिन बोल रहे हैं, दो दिन 2.5 घंटा आपका समय लगेगा। और ये 6 महीना का कोर्स है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ मज़ा भी बहुत आएगा, दिन जैसे जैसे आप सीखिएगा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और काम करने में मज़ा भी आएगा। और उसके बाद अगर काम करने का भी मन होगा तो यहाँ भी अवसर है कि यहाँ भी आप काम कर सके, कुछ पैसा जो है कमा सकते हैं, नहीं तो आपका जैसा इच्छा। क्या सर? जी डिस्प्ले यहाँ एक्चुअली क्या है कि हम लोग स्टार्टिंग जो यहाँ काम करने वाले नए लोग जुड़ते हैं, तो यहाँ 4000-5000 से स्टार्टिंग है। और फिर आगे जैसी कलाकारी है, जैसा काम है, तो एक कलाकार को एक दिन में 1000 भी दिया जाता है, 1500 भी दिया जाता है, और महीने का 5000-10000 जिसका जैसा काम है उस हिसाब से लोग इसमें जुड़ रहे हैं और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जिस टाइप से उनका कला रहता है, शुरुआत में थोड़ा कठिन होता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे कला में उनके काम के ऊपर है कि किस तरह का वो काम करते जाते हैं, उस हिसाब से उनका वो पैसा भी बढ़ता चला जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, मैडम से भी बात करेंगे। मैडम एक्सक्यूज मी, 1 मिनट, आपका क्या हाल चाल है? ठीक है। मन लगता है ये सब बच्चों को ट्रेनिंग देने? मन बहुत लगता है, मन लगता है बच्चों को देख करके कि वो लोग कितना खुश है ये बनाते हुए। अच्छा जी, 10 साल से कर रहे हैं जी। तो लोग पैसा भी, बहुत जगह पैसा भी लेते हैं, आप कैसे सोचे कि फ्री में ही ट्रेनिंग दे रहे हैं? सर इसका बहुत ये है कि हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे हम अपना घर से ही बना रहे थे तो कुछ दिन हम लोग पे करके भी सिखा रहे थे। अच्छा, लेकिन उसमें हम बहुत लड़कियां और महिलाएं भी थी, तो बहुत सारा प्रॉब्लम था जो हम नहीं बता सकते हैं। तो यही सब देखते हुए हम लोग आपस में डिसाइड किए जो नहीं, ये निःशुल्क सिखाया जाए। और निःशुल्क सिखाने से एक और फ़ायदा है कि जितने भी हैं तैयार होंगे, उससे क्या होगा कि मिथिला पेंटिंग का हर घर में अपना काम करेगी, अपने आर्थिक स्थिति को संभालते हुए अपना समाज में सम्मान से जी पाएंगी। और इसके साथ साथ जो मिथिला पेंटिंग की पहचान है वो और बढ़ेगा काम, जैसे जैसे पहले दरभंगा में, पहले के मुकाबले दरभंगा में कितना लगा है आपको कि काम बढ़ा है, लोगों का डिमांड जो है पहले कितना था अब कितना बढ़ गया है? देखिए पहले तो हर घर में, अभी भी है हर घर में 1 से 2 महिलाएं बनाती हैं लड़कियां लोग में, लेकिन अभी जो देख रहे हैं तो लग रहा है कि हर महिला
और हर लड़कियां में इंटरेस्ट है बनाने के लिए। हमको लग रहा है अभी एक घर में कम से कम 4-5 महिलाएं लड़कियां लोग बना रही हैं, तो उन्नति तो बहुत हुआ है सीखने से, जो एक घर में कम से कम 5-10 लड़कियां महिलाएं सब बना रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कीजिए कंटिन्यू। चलिए तो देखें हम लोग किस तरीके से बच्चे जो है यहाँ पे मिथिला पेंटिंग सीख रहे हैं। फिर से इधर होके आप आइएगा कैमरा लेकर के, सब लगे हुए हैं अपने अपने कॉपी में पेंटिंग बनाने के लिए। देखिए